मुजफ्फरनगर में पुलिस ने फ्लाइंग स्क्वाड टीम के साथ मिलकर इस्तकार नाम के एक व्यक्ति के घर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम के घर से 27 लाख रुपए नकद मिले। अभी किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। बरामद रकम की जांच हो रही है। मध्य प्रदेश के सागर में दलित परिवार ने दूल्हे की बारात घोड़ी पर निकाली तो गांव के दबंगों ने हमला कर दिया। गांव के कुछ लोगों ने पहले ही आपत्ति जताई थी। पुलिस के पहरे में बारात तो निकल गई, लेकिन बाद में लोगों ने दूल्हे के घर में घुसकर तोड़फोड़ की और पथराव किया। पुलिस ने 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिहार के गोपालगंज में दुकानदार ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पीड़ित के मुताबिक पड़ोसी के साथ झगड़े को लेकर पुरानी FIR थी, जिसमें कोर्ट ने जमानत दे दी थी। पीड़ित के मुताबिक पुलिस युवक को दुकान से खींचकर पीटते हुए ले गई और बाद में छोड़ दिया।